आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, किसी भी लड़की की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं उसकी खूबसूरत आंखें, आंखें यानी नैना। और अगर नैना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो उसको कहते हैं सुनैना। और आज हम बात करेंगे मशहूर फिल्म सुनैना की हीरोइन से, और उनका नाम है रामेश्वरी। सुनैना, 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 सुनैना। हमारी आज की मेहमान हैं रामेश्वरी जी। और रामेश्वरी जी को अगर हम सर से लेके पैर तक गौर से देखें तो सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी में इनकी दिलकश, इनकी आंखें खूबसूरत और बेहद हसीन हैं। रामेश्वरी जी, काफी अरसे पहले आपकी इन खूबसूरत आंखों के साथ एक हादसा पेश आया था जी। और जिसकी वजह से आपके कैरियर को, फिल्म के कैरियर को काफी हद तक धक्का भी पहुंचा था जी। मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शक इस हादसे के बारे में जरूर जानना चाहेंगे जी। वैसे काफी लोगों ने तो बहुत सुना होगा, अगर आप कह रहे हैं तो दोबारा सुना लेते हैं। हाँ, लेकिन आपके मुंह से और रूबरू आपको देखते हुए नहीं सुना होगा। फिर सुना लेते हैं। सुनैना नाम की एक फिल्म में मैं काम कर रही थी। बहुत लोग कहते थे कि सुनैना नाम काफी अनलकी होता है आंखों के लिए। तो हम कहते थे कि मजाक करते हैं, क्या बात है। वही हुआ हमारे साथ भी। ये शूटिंग कर रहे थे, फिल्म खत्म हो चुकी थी, लास्ट डे का शूटिंग था जिसमें घोड़े के ऊपर बैठ के मुझे जरा जाना था, बस और कुछ नहीं। तो काफ़ी लोगों ने कहा तुम घबराओ नहीं, हम सब पकड़े हुए, काफ़ी अच्छा घोड़ा था। तो घोड़ा को पता नहीं, मुझे मैं पसंद नहीं आया, उसने कहा नहीं मैं गिरा दूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं मैं पकड़ूंगी। तो इस चक्कर में उसके घोड़े के सर के ऊपर एक कुछ कली, पता नहीं क्या कहते हैं उसको जी, काफ़ी शार्प सा था, वो आके मेरे आँख के अंदर लगी। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने कूद लिया, पर फिर भी जो लगना था लग चुका था। काफ़ी ब्लीडिंग हुआ, डॉक्टर के पास गए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी स्वेलिंग हो गया था और काफ़ी काला पड़ गया था। इसके बीच में एक दो फिल्मों की शूटिंग करना भी पड़ा क्योंकि लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे जी। मगर खुशी से नहीं, मतलब मुझे पता था कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी, फिर भी मुझे करना पड़ा। और 9 महीने 10 महीने हमने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ और किया जाए। यहाँ डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, डॉक्टर्स ने कहा हाँ कुछ तुम कुछ कर सकती हो क्योंकि 9 महीने हो गए। तब रायश्री प्रोडक्शंस, जिनकी शूटिंग में मैं काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम बाहर जाके अपने इलाज करवाओ, हम नहीं चाहते हैं कुछ और हो जाए। तो यहाँ के डॉक्टर्स वैसे तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, उन्होंने कहा एंड दे पेड फॉर माय कंप्लीट एक्सपेंसेस। तब हम बाहर गए थे, वहाँ हम इलाज करवा के आए थे। और अब तो टचवुड बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि इस किस्म का हादसा गुजरा। थैंक यू। अच्छा, इस फिल्म में जिसमें ये हादसा हुआ और आपने जिक्र भी किया सुनैना जी, तो जरा सुनैना में आपके नैन देख लें कैसे लगे। वैसे बहुत बुरे लगते हैं उसमें तो, क्योंकि उस वक्त तो हम एक्सीडेंट से, मतलब दोबारा ऑपरेशन नहीं हुआ था। हाँ हाँ, फिर भी हमें करना पड़ा क्योंकि फिल्म रुक गई थी। तो भी देख तो लें जरूर। सुषमा, एक बात कहूँ, ससुराल में सिर्फ पति का ही नहीं, सबका दिल जीतने की कोशिश करना। रामेश्वरी को मैं लगभग 40-45 सालों से जानती हूँ। ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हैं, लेकिन जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने एक भोली भाली सीधी सादी लड़की के रोल निभाए हैं। तू तो जाए देख।
6 जनवरी 1958 में पैदा हुई थी रामेश्वरी आंध्र प्रदेश में, और वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की। उनका असली और पूरा नाम है पल्लूरी रामेश्वरी और तेलुगु उनकी मातृभाषा है। रामेश्वरी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था कन्नड़ फिल्मों से, लेकिन हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक उन्हें दिया राजश्री बैनर ने 1977 में, और उस फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और वो फिल्म हिट हो गई। रामेश्वरी ने लव मैरिज की है, उनके पति पंजाबी हैं, उनका नाम है दीपक सेठ, वो हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी, और उनके दो बेटे हैं और उनका नाम है सूर्या और भास्कर। माँ बनने के बाद रामेश्वरी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे थे, उनकी परवरिश करनी थी, अच्छी परवरिश करने की खातिर उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए वो दोबारा फिल्मों में काम कर रही हैं और टीवी सीरियल भी कर रही हैं और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।